टुक्कूस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे पास्ता, जो कि बच्चों को सुपर टेस्टी लगता है। हमने ले ली है कढ़ाई और कढ़ाई में हम डालेंगे पानी। पानी को करेंगे अच्छे से बॉईल। हमने इसमें डाला है पास्ता और ये और डाला पास्ता और फिर इसको और डाला पास्ता। आपने पास्ता को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। हमने अपने पास्ते में डाला है थोड़ा सा तेल। अपने पास्ते को आप छान लेंगे। हमने अपने पास्ते को सिर्फ 80% ही पकाया है। मैक्रोनी बनाने के लिए हमने कुछ सब्जियां ले ली है। हमने 2 बड़े से प्याज काट लिए हैं, बहुत बारीक नहीं चॉप करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा पत्ता गोभी ले लिया है, 1 गाजर ले ली है, 1 ही शिमला मिर्च ली है और 4-5 हरी मिर्ची बारीक बारीक कट करके ले ली है। और हमने लिया है 1/2 कटोरी हरा मटर। अगर मैक्रोनी भी हमारी बढ़िया से ठंडी हो चुकी है। हमने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। कढ़ाई हमारी पहले से गर्म हो रही थी। हमारा तेल हो गया है गर्म। इसमें डालेंगे प्याज। और इसी के साथ डालेंगे हम हरी मिर्ची। अब इनको थोड़ा सा हम फ्राई कर देंगे। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया है। इसमें डालेंगे हमने बाकी सब्जियां। ये डाला हमने शिमला मिर्च, ये गई गाजर, ये गई पत्ता गोभी। अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्लेम को फुल ही रखेंगे क्योंकि हमें इन्हें पकाना नहीं है, केवल इनका हल्का सा नमी हटानी है हमको। और इसी में डालेंगे हम हरी मटर। सर्दियों में मैक्रोनी बनाओ चाहे मैगी बनाओ, बिना हरी मटर के तो बेकार है। हमारी सब्जियां अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। इसमें जाएगा 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसको करेंगे बढ़िया से मिक्स। अब इसमें जाएगा हमारा, इसमें हम डालेंगे अपना पास्ता। ये देखिए, इसको अच्छे से सब्जियों के साथ में करेंगे मिक्स। ये देखिए, इसको हमें हल्के हाथों से ही चलाना है ताकि ये टूटे नहीं। और इसमें हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। हमने फ्लेम कर दिया है थोड़ा सा स्लो। इसमें हम डालेंगे अपने थोड़े से और चटपटा करने के लिए थोड़ा सा विनेगर, वाइट सिरका है ये। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा टमाटो सॉस, ज़्यादा नहीं कुछ चीज़ डालना है। और अब इसमें जाएगा पास्ता मसाला, जो इसके स्वाद में 4 चांद लगाएगा। अब इस सबको अच्छे से करेंगे मिक्स और हमारा मैक्रोनी बनके तैयार। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। जिस चीज़ को खाना हो प्लीज आ जाए। और आपको हमारी मैक्रोनी अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमने आपके लिए मैक्रोनी बना दी है। देखिए आ रही है बिल्कुल ठेले वाली फीलिंग। ये देखिए एक एक मैक्रोनी अलग है। हम अपने मैक्रोनी डालेंगे धनिया। फ्लेम को करेंगे बंद। देखिए और
अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। ये लीजिए हमारा पास्ता हो गया बनके तैयार। खाइए और बताइए कैसा बना है। अगर आपको हमारा पास्ता अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।